नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट वन परिषद बिरसा दमोह सम्मान्य के अंतर्गत बीट क्रमांक 1706 धोबगढ़ राजस्व ग्राम बोरी में वन विभाग की मिली भगत गांव के कुछ लोगों के द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा करके खेती की जा रही थी, जिससे परेशान होकर आज ग्रामीण जन कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, जिसमें उक्त अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। ग्राम वन समिति के सदस्य अध्यक्ष भरतलाल भनरे, नेनू तिल्लासी, जोहन सोनेकर, सरवन लाल और अन्य ग्रामीण कलेक्टर व एसपी के पास पहुंचे। क्या नाम है जी आपका? लवकुश सोनेकर। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ? सर, ये अतिक्रमण के संबंध में आए हैं सर। बीट क्रमांक 1706 के अंतर्गत है सर, दमो रेंज के अंतर्गत। क्या है मामला पूरा? सर, मामला ये है सर, जो गांव के 5-6 लोगों द्वारा अवैध रूप से 150 से 200 एकड़ जमीन में कब्जा किए हैं सर। यदि अगर 5 मार्च तक नहीं हटता अतिक्रमण, तो ग्राम के समस्त ग्रामवासी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासक प्रशासन होगी सर। इसके पहले भी आपके अन्य कई चेतावनी दी गई? जी सर, चेतावनी दी गई है सर। हुआ नहीं है क्या? आश्वासन पहले मिला था? जी सर, कि 26 जनवरी से पहले हटा देंगे करके डिवीजन वन मंडल अधिकारी से मिला था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है सर। क्या कहा था उन्होंने कि हटा दिया जाएगा? जी सर, 26 जनवरी से पहले हटा दिया जाएगा करके सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। तो आज आप यहाँ पर कहाँ पे आए थे? सर, अभी हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपे हैं, एसपी साहब के पास आए हैं, मंडल अधिकारी पर पास गए थे। यहाँ मुलाकात हुई एसपी साहब से? एसपी साहब से तो मुलाकात नहीं हुई सर, अभी आवेदन दिए हैं। अगर आने वाले दिनों में दिनों का आपने अल्टीमेटम दिया, मांगे नहीं पूरी होती, जो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर, हमने 5 मार्च निर्धारित समय दिए हैं सर। अगर 5 मार्च को अगर नहीं होता, अतिक्रमण नहीं हटता, तो गांव के समस्त ग्रामवासी द्वारा उग्र जेल भलो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन होगी। क्या नाम आपका? लवकुश सोनेकर सर। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।